हाय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल प्रियास ब्यूटी जोन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन बालों को लेकर कुछ चीज़ें। आप टाइटल से जान तो चुके ही हैं, आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी एक DIY हेयर मास्क जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग रहेगा। आपके अगर फ्रिजी हेयर है तो वो सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिसकी वजह से बालों में बदबू हो जाती है, वो सब भी हो जाने वाला है ठीक। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक DIY हेयर मास्क मैंने घर पर ही बनाया है जिसको आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है और कम से कम 1 से 2 घंटा छोड़ना है। उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कीजिए अपने फेवरेट शैम्पू से। और अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और शुरू करती हूँ अपना आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए ये 7 तरह के ऑयल: सेसमे सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा ऑयल, आलमंड ऑयल, आमला ऑयल, टी ट्री ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रही हैं दीदी, इतने सारे तेल कहाँ से लाएंगे हम? आई नो, अगर आपके पास ये सारे तेल नहीं हैं जिनमें इतनी सारी खूबियाँ होती हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, तो चिंता मत करो, आपकी दीदी उसका सॉल्यूशन भी लाई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या है। मेरे बाथरूम में, मेरी कबर्ड में है ये वाला प्रोडक्ट। चलो देखते हैं इसे पर्पल की वेबसाइट पर। एल्ब्स गुडनेस का हर्बल हेयर ऑयल 7-in-1। ये ऑयल आइडियल है फॉर हेयर फॉल, डैमेज हेयर, स्प्लिट एंड्स, डल हेयर, अनमैनेजेबल हेयर, कोर्स हेयर, इची स्कैल्प एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि स्टॉपिंग हेयर फॉल, फ्रिज कंट्रोल, सॉफ्टनिंग, कंडीशनिंग, सिल्की हेयर, मॉइस्चराइजिंग एंड कामिंग स्कैल्प। और साथ ही देखो इसके एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स क्या है, वो 7 तेल जो मैंने आपको पहले बताए। ये एक क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है फॉर ऑल हेयर टाइप्स और आपको इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इस बॉटल में आपको मिलता है 200 ml प्रोडक्ट फॉर द प्राइस ऑफ 179 आफ्टर डिस्काउंट। तो है ना ये बढ़िया सॉल्यूशन। चलो अब हम अपना हेयर मास्क बनाते हैं। तो पहले मैं एल्ब्स गुडनेस के इस हेयर ऑयल की एक क्वांटिटी लूंगी एक बाउल में अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से और उसमें ऐड करूंगी 3 बड़े चम्मच दही के। जी हाँ, दही बहुत ही बढ़िया नेचुरल कंडीशनर है। इसके बाद हम लेंगे एक एलोवेरा जेल, मैंने लिया है वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल, आपके पास जो भी हो वो ले लें। साथ ही मैं इसमें एडिशनली ऐड कर रही हूँ टी ट्री का एसेंशियल ऑयल। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एल्ब्स गुडनेस के हेयर ऑयल में ऑलरेडी डला हुआ है, लेकिन ये आपके इन्फेक्शन को इतने अच्छे तरीके से ख़त्म करता है कि मैं इसको थोड़ा एडिशनली ऐड करना चाहती थी। बस हेयर मास्क हो गया तैयार, अब हम इसे करते हैं अप्लाई। तो आप पार्टीशन करें अपने बालों की और इसे अच्छे से अपने स्कैल्प में लगाकर मसाज करें। ध्यान रखिए आपकी रूट्स तक जाना चाहिए ये मास्क, और सिर्फ रूट्स पर ही नहीं, आपकी पूरी हेयर लेंथ पर अच्छे से लगना चाहिए इवनली स्प्रेड होकर। तो अपने बालों को पूरी तरह कवर ज़रूर कीजिए, कहीं से भी छोड़िए नहीं। इतनी रिचनेस और गुडनेस है इस ऑयल और इस दही के मिश्रण के अंदर कि आपके बालों की बहुत बढ़िया कंडीशनिंग भी होने वाली है और जितनी भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो भी सब ठीक होने वाली हैं। तो पूरी हेयर लेंथ पर अच्छे से लगाइए और खास तौर पे बालों के एंड में जहाँ हमें हो जाते हैं स्प्लिट एंड्स यानी 2 मुंह बाल, वहाँ पर भी भर भर के इस मास्क को ज़रूर लगाएं। अगर आपके हेयर की लेंथ मेरे से ज़्यादा है तो इस मास्क को बनाने में कंजूसी ना करें, इसका मिक्सचर और तैयार कर लें, लेकिन अपने स्प्लिट एंड्स को भी ज़रूर कवर करें एकदम एंड में। और उसके बाद इस हेयर मास्क को अप्लाई करके रखें अपने बालों पर कम से कम 1 से 2 घंटा, अगर 2 घंटे रख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अपना हेयर वॉश कर लें अपने किसी भी फेवरेट शैम्पू से। तो फ्रेंड्स, मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं और थोड़ा देर मैंने फ़ैन के नीचे इन्हें थोड़ा सा ड्राई भी किया है। तो आप अपने हेयर को कोशिश यही करें कि नेचुरली ड्राई करें। हेयर ड्रायर वगैरह जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं ना, वो हमारे बालों के लिए कुछ खास अच्छे नहीं होते, बट अगर मुझे कहीं जल्दी होती है जाने की तो डेफ़िनेटली मुझे भी हेयर ड्रायर यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मैं नेचुरली अपने बाल सुखा रही हूँ फ़ैन ऑन करके, तो जब ये पूरी तरह सूख जाएंगे उसके
कितना आसान था ये DIY हेयर मास्क, जो कि आप अपने बालों पर अप्लाई कर सकती हैं और पा सकती हैं एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हेयर बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं और फिर से एक अच्छा सा वीडियो लेकर आती हूँ आपके लिए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती हूँ लगभग रोज ही। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल प्रियास ब्यूटी जोन। बाय।